7 दिसंबर 1941 यूनाइटेड स्टेट्स अभी वर्ल्ड वॉर टू में उतरा नहीं था। उसी दिन सुबह 8 बजे से पहले पर्ल हार्बर पे जापान ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया। इस अटैक में जापान की 353 एयरक्राफ्ट शामिल थे। अटैक के कुछ देर पहले ही यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट फील रसमुसेन अभी नींद से उठे थे, तभी उन्हें खिड़की से एक छोटा हवाई जहाज अमेरिकन जंगी बेड़े पे डाइव करता दिखता है। एविएशन हेडसेट और .45 कैलिबर की पिस्टल अपने पजामे में रख एक सुरक्षित फाइटर प्लेन ढूंढने लगते हैं। करीब करीब सारी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें एक ठीक ठाक P-36 हॉक मिल जाती है। उनके साथ 3 और पायलट्स उड़ान भरते हैं। उड़ान के बाद पता चलता है कि उनके प्लेन की .30 कैलिबर की गन जाम है। अब आओ ना ताओ देख वो अपनी पिस्टल से ही जापानीज प्लेन्स पे फायर करने लगते हैं। आश्चर्य की बात तो ये रही कि उन्होंने अपने पिस्टल से ही एक जापानीज मित्सुबिशी A6M0 को मार गिराया। उनकी प्लेन 500 गोलियां झेलकर बिना टेल व्हील, रडर और ब्रेक्स के व्हीलर एयरफोर्स बेस पे क्रैश लैंड हुई। रसमुसेन अपने पर्पल पजामे में ही बिल्कुल सही सलामत लौट आए थे।